एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोहनिया स्थित बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में नगर निगम और गंगापुर नगर पंचायत को लेकर बैठक किए हैं। बैठक के बाद सीएम आप देख सकते हैं कि निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। बैठक समाप्त हो चुकी है और सीएम यहां से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं और बाबतपुर एयरपोर्ट से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बैठक में सीएम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक किए हैं जो कि नगर निकाय चुनाव से रिलेटेड है। जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं उनको सीएम द्वारा जीत का मंत्र दिया गया। आप देख सकते हैं सीएम नजर आ रहे हैं। सीएम ने बैठक खत्म करके सीधे बाबतपुर के लिए रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान सीएम ने जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं और मेयर प्रत्याशियों के साथ बैठक की, इसके साथ साथ नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी के साथ सीएम ने बैठक की और बैठक में कार्यकर्ताओं सहित जो पदाधिकारी हैं और पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, मेयर पद के प्रत्याशी हैं, उनसे जनता के बीच कैसे जुड़े, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाए, उसकी चर्चा सीएम द्वारा की गई। तो सीएम की बैठक खत्म हो चुकी, काफ़ी अहम बैठक बताई जा रही थी कि सीएम ने आज वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालय, काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक की है। चूँकि एक दिवसीय दौरे पर सीएम आए थे, इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, बाबा काल भैरव का दर्शन किया और दर्शन के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर सीएम ने अहम बैठक की और बैठक खत्म करने के लिए सीएम वाराणसी से रवाना हो गए। कैमरा विशेष के साथ नवीन पांडे, बीपी गंगा, वाराणसी। आज मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे सभी 100 पार्षद जो वाराणसी के थे और गंगापुर के, इन लोगों से एक एक कार्यकर्ताओं से उनकी समस्या पूछी और ये बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 22 प्रकोष्ठ हैं हमारे, उस 22 प्रकोष्ठों का सम्मेलन होना चाहिए, जाति समीकरणों का सम्मेलन होना चाहिए और प्रत्येक वार्डों में नियमित दोपहर के समय हम उसका इस उपयोग को करें कि जाति बिरादरी और अन्य प्रमुख लोगों से बीच में एक सम्मेलन करें और सुबह शाम हम इसका जनसंपर्क करें, यही असली जीत का मंत्र है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो विकास किया है उसको डंके के चोट पर बताना चाहिए। अपराध, आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, विकास के नाम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता और पारदर्शी सरकार के ऊपर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। इसको लेकर हम चुनाव मैदान में जाएं और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। सूरज जी, क्या बैठक में रहा सीएम द्वारा, क्या निर्देश दिए गए? आज हम लोगों के मुख्यमंत्री जी आए थे, पार्टी का बैठक उन्होंने लिया, सभी सभासद प्रत्याशियों का, हमारे मेयर प्रत्याशी और सभी कार्यकर्ता जो प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने बताया किस तरह को हम लोगों को बूथ जीतना है, बूथ जीतेंगे तभी हम चुनाव जीतेंगे। और विकास के मंत्र पे, काशी का जिस तरह विकास हुआ है उसको हमें जनता तक पहुंचाना है, एक बार याद दिलाना है कि पहले क्या स्थिति थी और आज काशी की क्या स्थिति है, उस विकास के मुद्दे पे हम लोगों को चुनाव लड़ने का उन्होंने मंत्र दिया। आज सारे प्रत्याशियों, मंडल के सारे पदाधिकारियों की बैठक थी, महानगर अध्यक्ष भी थे, उसमें जिला अध्यक्ष भी थे, सभी विधानसभाओं के विधायक भी थे, निवर्तमान महापौर के तौर पे मैं भी थी। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार चल रही है, उस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार भी आप लोगों को चलानी है और जनता को सुख सुविधाओं से पूरा परिपूर्ण करना है। जो सुविधाएँ पूरी तरह से मिलती आई, वो अनवरत मिलती रहे, जो पिछले 5 साल में हमने काम किया है उसको यथास्थिति में बरकरार रखते हुए ये हम लोग को बहुमत मिले, ऐसा उन्होंने सबका संकल्प भी लिया और विश्वास भी दिलाया कि हम लोग जीतेंगे, बहुत बहुमत लेके आएंगे। जितना 5 साल में जो सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं उन कार्यों को लेकर भी जनता के बीच जाने की बातें की गई? जी जरूर, जनता देख भी रही है, सब लोग बुद्धिजीवी है, किसी को बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये काम किया जा चुका है, सब देख रहे हैं, सब उसका सुख भी उठा रहे हैं और हम लोग हमेशा काम करते रहे हैं। जितनी भी सुविधाएँ सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी आती हैं या राज्य सरकार के द्वारा जो भी आती हैं, मिनी सदन उसको हमेशा सरकार के द्वारा जो जनता तक पहुँचाने का काम करती आई है, ये जनता भी देख रही है और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। क्या बैठक में सीएम द्वारा बातें की गई? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को बहुत उत्साहित किया है और मेयर के चुनाव के लिए उन्होंने कहा है कि काशी में काशी से एक अद्भुत संदेश जाना चाहिए और मेयर को अत्यधिक मतों से, हर जो 5 बार से मेयर यहाँ जीते हैं, सबसे अधिक रिकॉर्ड से यहाँ मेयर को विजयी बनाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है। साथ ही साथ अपने जो 100 वार्ड के पार्षद लड़ रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में पार्षद जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से मिनी सदन में अपने मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री जी के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने अपना टिप्स हम लोगों को दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।